बॉलीवुड में किसने किसको कहा भूत और किसका रिश्ता गया टूट, सब पता चलेगा सिर्फ यहाँ विद मी रंगीली रुचि, ओनली ऑन बॉलीवुड कैफे। क्या ऐश्वर्या राय बच्चन पद्मावती में लगाएंगे तड़का? रामलीला और बाजीराव मस्तानी जैसी बैक टू बैक सक्सेसफुल फिल्मों के बाद डायरेक्टर संजय लीला भंसाली उनकी आने वाली फिल्म पद्मावती में भी जमकर जादू बिखेरने वाले हैं। द फिल्म कास्ट इंक्लूड्स रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण एंड अदिति राव हैदरे। नवंबर 2017 में पद्मावती रिलीज होने वाली है। खबरों के हिसाब से ऐश्वर्या राय बच्चन भी इस फिल्म में ब्रीफ कैमियो करती दिखाई देंगी। साथ ही ऐश्वर्या दीपिका के साथ एक पेपी फेस ऑफ डांस नंबर भी करने वाली है। We are sure that this dance off will set the screens on fire. Big B hopes for film on his mother's life. अमिताभ बच्चन जी का कहना है कि उनकी डॉटर श्वेता नंदा उनकी दादी यानी बिग बी की लेट मदर तेजी बच्चन जी की जिंदगी पर फिल्म बनते देखना चाहती हैं। आपको बता दें कि लेट तेजी बच्चन जी एक सोशल एक्टिविस्ट थी। बिग बी ने इसी बारे में हाल ही में उनके ब्लॉग पर जिक्र भी किया है। बच्चन जी, आपकी इस होप को जरूर कोई ना कोई डायरेक्टर पूरा करेगा, डोंट वरी। What if इरफान खान had सुपर पावर्स? जब मीडिया ने एक्टर इरफान खान से पूछा कि अगर उनके पास सुपर पावर्स आ जाएं तो वो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इरफान ने जवाब दिया, I want to have a power where I could die consciously and see life beyond death and come back to life again. I want to time travel and I want to have the power to change people's thinking. ऐसा इरफान ने कहा। वाह इरफान, मतलब कुछ भी है। अच्छा है कि आप जो कह रहे हैं उस टाइप के सुपर पावर्स आपके पास नहीं है। तो ये था बॉलीवुड कैफे का आज का एडिशन। मैं हूँ रंगीली रुचि और ऐसी ही मजेदार मसालेदार फिल्मी खबरों के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी।